अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे करेले कांदे की सब्जी। इसके लिए हमने लिए हैं करेले, ये हमने 500 ग्राम करेले लिए हैं। अब इसको हम साफ करेंगे। करेले हमने इस तरह से कटिंग करे गोल गोल, ये देखो। अब इसके अंदर जो बीजे है वो हम निकाल लेंगे, और बीजे निकालने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से नमक से मसल लेंगे। करेले के हमने बीजे निकाल दिए अच्छी तरह से, ये देखो। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करके इसको मसलेंगे, और मसलने के बाद में इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। हमने ये 2 चम्मच नमक डाले, अब इसको हम मसलेंगे अच्छी तरह से, ऐसा मसल के इसको, और फिर इसके बाद में इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको हमने अच्छे से मसल लिए है, और देखो कितने कम हो गए इसको मसलने के बाद में। अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 3 कांदा बड़ा। ये करेले हमने अच्छी तरह से देखो धोए, इसको नमक लगा के मैंने रखी थी, और उसको फिर अच्छी तरह से धो ली। और अब इसके अंदर हमें तेल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, और तेल अच्छा हम गरम होने देंगे। अब हमारा तेल भी गरम हो गया है, इसके अंदर हम करेले को फ्राई करेंगे। करेले अच्छे लाल कर लेने का, इसको फ्राई करके फिर निकालेंगे अपन। और ये करेले का सालन कड़वा भी नहीं बनता है, अच्छा बनता है। कल से हमने करेले लाल किए हैं, हमको ऐसे लाल चाहिए करेले। अब हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसके अंदर हम कांदा ऐड करेंगे। ये करेले और कांदे की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इसको आप भी पका कर ट्राई करो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अब इसके अंदर मैंने जो कांदा कटिंग करके रखी थी 3, वो इसमें ऐड करूँगी। कांदा हम जरा बनाने करेंगे। हमने कांदा ऐसा बनाने किए हैं। अब इसके अंदर हम 3 टमाटर कटिंग करके रखे थे वो ऐड करेंगे। और ये हमने मसाले इसमें लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। और नमक अपने हिसाब से लेना, नमक थोड़ा कम डालना, क्योंकि हमने करेले में भी नमक लगा के एक करेले में भी हमने नमक डाले हैं, इसलिए उसके अंदर नमक थोड़ा कम ऐड करना। अब ये मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको हम थोड़ा भूनने देंगे। ये हमारा मसाला हो गया है। अब इसके अंदर हम करेले भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोथमीर भी ऐड करेंगे, इसके अंदर हमने काट के रखे थे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सालन अब बन के तैयार हो जाएगा, इसको हम अब 5 मिनट ही रखेंगे। इसको थोड़ा हम फास्ट करेंगे गैस को। बस मसाला भुनने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे।
ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुने जाए। हम अभी इसको अभी ढाक देंगे और मसाला भुनने के बाद में करेले डालेंगे, तब हम नहीं ढाकेंगे। हमारे करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई माशाल्लाह। ये बहुत जल्दी बनती है, आप भी ट्राई करना घर के अंदर।